तो आप सबके दिमाग में भी बार बार ये चीज जो कि गूंज रही होगी, क्यों आखिर आस्का जो कि है वो आई स्मैकडाउन लाइव पर उन्होंने कन्फ्रंट किया शार्लेट फ्लेयर को। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ क्यों किया WWE ने ऐसा और क्यों आई आस्का स्मैकडाउन लाइव पर। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं अरमान। चलिए वीडियो में चलते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने जो कि वीडियो बनाई थी जो कि WWE है वो कि पहले जो कि बैकअप प्लान्स थे उनके रेसलमेनिया 34 के लिए, तो उसमें से मैंने बताया था जो कि आस्का का सबसे बढ़िया जो कि इस टाइम का मेन इवेंट का जो कि बैकअप प्लान था यानी कि रेसलमेनिया का, तो वो कि शार्लेट फ्लेयर थी। और बाद में पता नहीं क्यों WWE ने काफी कुछ करने के बाद जो कि उसे रॉ पर चेंज कर दिया था, बट इस बार शायद लगता है WWE दोबारा से कंसंट्रेट कर रही है स्मैकडाउन लाइव पर, बिकॉज जो कि रॉ है उसके पास काफी अच्छे जो कि मैचेस है जैसे कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, उसी के साथ अगर हम बात करें जॉनसन वर्सेस अंडरटेकर भी हो सकता है, बट अभी के टाइम पर स्मैकडाउन लाइव के पास सिर्फ एज स्टाइल्स वर्सेस शिंस्के नाकामुरा है और उसके लिए भी WWE के फैंस के पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है। इस वजह से जो कि रेसलमेनिया 34 है वो स्मैकडाउन लाइव से इतना बढ़िया नहीं हो पा रहा, यानी कि स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा। इस वजह से जो कि है आस्का जो है वो शायद हमें इन फ्यूचर जो कि है वो रो पर आते हुए दिख सकती है, यानी कि रो से स्मैकडाउन लाइव पर वापस वो जा सकती है और वहां पर जाके वो कम्पीट करें और मेरे हिसाब से जो कि वो चैंपियनशिप वहां पर जीत लेंगी, जिस वजह से कि काफी ज्यादा रेटिंग जो कि है वो आने वाली है WWE को। WWE को तो फायदा ही है। अगर कोई और सेकंड रीजन के बारे में बात करें तो सेकंड रीजन मेरे हिसाब से तो यहाँ पर हो नहीं सकता। अगर मान लो कोई सेकंड रीजन होता भी है तो वो इस तरीके से, बिकॉज जो कि WWE यानी कि रॉ वुमेन्स चैंपियन है जिसकी की हम बात करें एलेक्सा ब्लिस, उसको जो कि WWE उसका भी बैकअप प्लान के साथ लड़वाएगी, यानी कि जो कि एलेक्सा ब्लिस है उनका मैच हो सकता है नाया जैक्स के साथ रेसलमेनिया 34 पर, जिस वजह से कि वो दोनों का क्लियर जो कि है मैच हो जाएगा और जिस वजह से दोनों ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच बन जाएगा दोनों साइड पर। मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा रहेगा बिकॉज स्मैकडाउन लाइव पर शार्लेट फ्लेयर को एक अच्छा कंपटीशन देने के लिए कोई भी एक सिंगल वुमेन्स रेसलर जो कि नहीं है जो उन्हें एक अच्छा कंपटीशन दे सके। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, यहां तक वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन।